Feel alive, trust me, baby. Close your eyes, let me help you. हेलो फ्रेंड्स, सर्किट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है इस होम थिएटर के ऊपर में, तो इस होम थिएटर में जो चूहा घुस के जो भी कनेक्शन काट देते हैं, तो उस कनेक्शन को ना काटें, इसी के ऊपर पर मैं आज का जो वीडियो बनाया हूँ, और इसी के ऊपर में आज मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा जिससे कि आपका होम थिएटर में कभी चूहा नहीं घुस सकता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में जो इस होम थिएटर में जो है कि लगभग दो चार कनेक्शन ही काटे गए हैं, जिससे कि आपको दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर का वायर दोनों तरफ से पूरे सटा के काट दिया गया। तो इतना सटा काट दिया जहाँ से कि कनेक्शन जोड़ना भी नॉर्मल तरीके से पॉसिबल नहीं है सोल्डरिंग आयरन का। तो मैं इसमें इस वायर का उपयोग करके मोटी वायर लगाना होगा ट्रांसफार्मर में, जो आउटपुट जो निकलेगा, और इनपुट में जो है पतली वायर से मैं वायरिंग करूँगा। वायरिंग करने से पहले इसमें चाकू या कोई भी चीज़ से वहाँ साफ़ कर लें, और हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना पहले, उसके बाद ही दूसरे वायर के साथ सोल्डिंग यहाँ पे करना है। तो इस ट्रांसफार्मर का सारा कनेक्शन सोल्डिंग कर लेते हैं। तो चलिए, इसकी जो है वायर से मैं सोल्डिंग रंगा जो है रंगा मैं लगा दे रहा हूँ, सोल्डिंग वायर रंगा जो भी बोलो, सबके अलग अलग बोलने का। तो मैं इस सोल्डिंग वायर को लगा दे रहा हूँ, उसके बाद दो वायर कनेक्शन जोड़ देता हूँ नॉर्मली तरीके से। आपको भी दो कनेक्शन जोड़ लेना है, और एक वायर को आपको स्विच से कनेक्ट कर देना है जहाँ से आपका कनेक्शन कटा हुआ है। एक वायर को स्विच से और एक को डायरेक्टली प्लग का जो वायर आया हुआ है उसमें कनेक्शन करना है, जो कि ये डायरेक्ट एसी में जुड़ेगा। तो इतना कनेक्शन तो नॉर्मली सबको आता ही है, और इसको भी आप ये लगा लें। देखिए, मैं आपको दूसरी पॉइंट जो है इसमें सोल्डिंग कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, जोड़ने के लूज कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, सोल्डिंग कर देना चाहिए। तो मैं सोल्डिंग लगभग कर दिया हूँ, और चलिए ट्रांसफार्मर का आउटपुट कनेक्शन में तीन वायर में क्या करना है। तो चलिए इसको भी ओपनिंग कर लेता हूँ, इस तरीके से कटिंग कर ले। ऊपर से भी आप सोल्डिंग करके लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अंदर से भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए मैं अंदर से ही सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। और ये लगभग इंटेक्स होम थिएटर और कोई भी ये प्रॉब्लम आता है पावर सप्लाई में, तो इसका भी प्रॉब्लम का मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आता है, जिससे कि आप यहाँ का वायर चेंज करके होम थिएटर को बना सकते हैं। होता है क्या है कि जब ओवरलोड होती है होम थिएटर, जब बेस मारती है तो अचानक बीच बीच में बंद हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आता होगा आपके पास भी। तो उसमें अब इस तीन वायर का जो किट से कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, इस तीन वायर को आप चेंज कर देंगे तो सही होने का चांस बढ़ जाता है, और इसके बाद भी सही नहीं हुआ तो आईसी चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो किट फॉल्स हो सकता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अधिकतर चांस होता है कि ट्रांसफार्मर से इस वायर को चेंज कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बहुत सारा होम थिएटर बनाया हूँ, तो रिपेयरिंग किया हूँ, तो इसमें इतने सारे प्रॉब्लम आए हैं। तो इस ट्रिक से हमारा जो है कि लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और कुछ कुछ में आईसी चेंज करके। और एक होम थिएटर के जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहा, तो उसमें आप मेन किट को चेंज कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब हमारे पास मेन किट चेंज करने का कोई होम थिएटर रिपेयरिंग शॉप में आएगा, तब मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा फुल्ली टोटल जो भी कनेक्शन है। तो यहाँ पे तीनों कनेक्शन को जोड़ के, और ये जो अल्मोनियम ट्रांसफार्मर रहता है, आजकल अल्मोनियम का ही दे रहा है, फिर भी आप कॉपर का दे के सोल्डिंग मार दे ताकि जो लूज कनेक्शन ना हो, और जिसके कारण होम थिएटर आपका बीच में बंद ना हो, तो इस चीज़ को भी आप सोल्डिंग कर लें। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। और इससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई का बटन हमारे लोगो के पास आ रहा होगा, वहाँ से आप आई का बटन क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा जो है कि इस होम थिएटर में सिर्फ वायर कनेक्शन ही काटे हैं, तो वायर कनेक्शन जोड़ने के बाद जो हमारा आज का जो मेन ट्रिक है मैं अंत में बताऊँगा,
इस वीडियो का, जिसके कारण कि आपका जो वायर है कभी आपका चूहा नहीं काटेगा। तो चलिए इसको टेप से कर लेता हूँ, और इसके जगह मैं टेप में उपयोग कर रहा हूँ। टेप के जगह आप दूसरा कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, बट ये पीवीसी टेप ही होना चाहिए, प्लास्टिक का टेप आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। करने यहाँ पर जो है कि ट्रांसफार्मर हीट होते हैं, हीट होता है जिसके कारण कि यहाँ पर दूसरी टेप प्लास्टिक की होगी तो गल जाएगी। तो इसी के कारण से मैं इसमें पीवीसी टेप या कुछ पीवीसी का ही अब उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए लगभग हमारा जो कनेक्शन हो गया, अब ट्रांसफार्मर का जो तीन वायर निकाले मैं, उस वायर को जहाँ से ट्रांसफार्मर का वायर चूहा काटा वहाँ से मैं कनेक्शन जोड़ूंगा। तो देखिए यहाँ से तीन कनेक्शन था जोड़ा हुआ, पहले इस कनेक्शन को हटा देना है आपके जहाँ पर जोड़े होंगे किट में। आप चलिए जो भी है बीच का बीच में डालना है, जैसे मैंने बीच का कॉमन रेड लिया तो रेड को बीच में और ब्लैक को साइड साइड में, दोनों किधर भी देंगे आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर की। तो एक इसमें आपको सीखने को मिला क्या कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन आप जान लिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जानने का। लगभग एक वायर मेरा और काटा हुआ ब्लू का, तो इस वायर को भी बीच से टेपिंग करके जोड़ देता हूँ, जिससे कि हमारा होम थिएटर सही हो जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम आया होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने बीच से ही वायर कनेक्शन को जोड़ दे रहा, जिससे कि हमारा ये कनेक्शन सही हो जाएगा। तो एक वायर काटे थी, और एक है कि इनपुट वायर हमारा जो काटा है ब्लूटूथ वायर मोबाइल से बजाने का जो है इनपुट, जिससे मैं बजाऊंगा इस होम थिएटर को, तो ओला भी वायर हमारा जो है कटिंग कर दी। ए थ्री वायर है, तो ये चेक करना होगा आपको कि कहाँ से वायर आया था, कहाँ से काटा है, कौन सा कलर है, कहाँ पे लगा हुआ है, तो कलर मैच करना होगा, वहाँ से देखना होगा, आगे वॉल्यूम से देखना होगा। तो इसका जो है बहुत सारा ट्रिक है, जब एक बार होम थिएटर बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब दो तीन चार या पाँच होम थिएटर बना लोगे या कुछ वीडियो देखोगे जहाँ से कि आपको समझ में आए, लेकिन वीडियो से भी आपको उतनी समझ में नहीं आएगा जितना कि आप एक रियली में होम थिएटर खोल के करोगे। तो एक होम थिएटर को खोलना है आपको, भले होम थिएटर बने ना बने, उसको खोल के आपको अपने से ही करना, जिससे कि मैं भी ऐसे ही करता था पहले, तो जिससे कि मैं भी सिखाऊँ, तो आपको भी उसी तरीके से करना, और जहाँ जहाँ कलर है कलर को देखते हुए कनेक्शन करना। और आप उस तरीके से कनेक्शन करोगे ना तो आपका जो है होम थिएटर जो है कि सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो रेड है और जो पीला वायर, पीला जो हमारा कॉमन है और रेड है लेफ्ट राइट। तो मैं पीला को देखो मैंने लगाया हूँ, एक यहाँ पे एक जहाँ पे मैं अभी लगा रहा हूँ वहाँ पे एक तीन वायर है, पीला को कॉमन लेना है, तो पीला को कॉमन में लगाना है। तो इसका जो भी कनेक्शन है ना, जहाँ पे आप पहले चूहा काटा भी तो पीला कनेक्शन वही होगा, तो दो दो बराबर में होगा जो कनेक्शन, वहाँ पर आपका रेड और ब्लैक लग जाएगा इसमें, और कॉमन जो है एक कोना टाइप में होगा, त्रिभुज कोना टाइप में होगा, तो वहाँ पर जो है कि पीला वाला वायर जो है वो कॉमन है इसका, तो कॉमन उसमें लग जाएगा। तो लगभग एक ही इसका भी डिटेल मैं बताऊंगा, तो इसका जो मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा आपको, लेकिन जो मैं बता दिया उतना सा आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए कॉमन पता करके आपको। तो देखिए लगभग कनेक्शन हमने जोड़ लिया हूँ, और इसकी जो है अभी जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ वहाँ से इसकी आउटपुट स्पीकर की है। तो मैं चलो आउटपुट स्पीकर का कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं उंगली दिखा रहा हूँ वहीं से इसका कनेक्शन जुड़ेगी। तो चलिए तार को नाप लिया मैं, और तार को कटिंग करके पहले मैं कॉमन तार को जोड़ लेता हूँ। जब भी आप जुड़े तो पहले कॉमन का कनेक्शन, ताकि कन्फ्यूज ना रहे कि लेफ्ट राइट का जो कनेक्शन है वो कहाँ पर जुड़े। तो चलिए पहले हम कॉमन का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। देखिए हमारा जो वहाँ से इस तरफ में यहाँ पे कनेक्शन है, और यहाँ पे बीच वाला कॉमन होता है, तो कॉमन आपको पता कर लेना है। तो लगभग बीच वाला ही कॉमन इसमें, तो इसका भी साइड तरफ से कॉमन जहाँ पे मैंने अभी जोड़ा दिख रहा साफ साफ, जूम करके भी आप देख सकते हैं। और दो वायर जो है इस कैपेसिटर, जहाँ पे मैं आपको दिखाया उस कैपेसिटर से ही
जोड़ना है आपको दोनों कैपेसिटर में, किसी में भी आप जोड़ देंगे तो आपका वर्क करेगा अच्छा है। तो दोनों में भी मैंने जोड़ के निकाल लिया हूँ और यहाँ दोनों लेफ्ट राइट में स्पीकर में जो आईसी का पॉइंट निकाला हुआ है वहीं पर डायरेक्टली जोड़ देना, दूसरा जगह कनेक्शन नहीं करना। इसके जब मैं इस किट की पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा तब मैं इसकी सारी डिटेल बताऊँगा ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए ग्लू गम की सहायता से मैं सारे वायर को टेपिंग कर दूँगा, टेप मारने की ज़रूरत नहीं है, इसी से मैं इसको सारा कनेक्शन को टेपिंग कर दूँगा ताकि शॉर्ट ना हो। तो लगभग ये आप ग्लू गम की सहायता का उपयोग करके आप एक कर सकते हैं, एक सोल्डिंग आयरन से आप मशीन खरीदें तो मशीन से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं हमारा जो मेन टॉपिक था रेट, तो पोटेक रेट से, तो पोटेक मैं इस जाली से करूँगा। तो देखिए ये जो जाली है आपको मच्छर वाला जो मारने वाला आता बैडमिंटन उसी का जाली है, मैं उसी से तोड़ के निकाला हूँ। या कोई भी जाली आप हार्डवेयर से ख़रीद के लगा सकते हैं। तो चलिए इस जाली को टेप की मदद से जितनी बड़ी मतलब इसमें होल है उस होल के साइज में मैं इसको कटिंग कर लिया हूँ। अब चलिए मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो कि इसमें चूहा एंट्री हो जाती है और एंट्री करने के बाद जो भी वायर है बूफर है सारे मेरे काट देते तो हमारा जो होम थिएटर है ख़राब हो जाते। तो इसी के लिए मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आप इस तरीके से आप जाली लगा सकते इसमें और इस जाले को चूहा को काटना पॉसिबल नहीं है। आती थी जो होम थिएटर में पहले अभी आ रहे थे वो भी देता था नॉर्मल जाले को भी चूहा काट के अंदर चल जा रहा है। तो अभी इस जाले को काटना पॉसिबल नहीं है। तो ये जाले चलिए फटाफट ग्लू गम की सहायता से लगा देना है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सब पहुँचती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो फिर इसी ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और कुछ नए टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगी रिपेयरिंग वीडियो में। तो चलिए ओके बाय।